तो आज तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दो कि ये एमोलेड वाली वॉच किन किन को भाई पसंद है, एकदम बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि ना एक एमोलेड और आपको आईपीएस पर मैं कौन बताऊँ क्या होता है। अब एमोलेड वाली वॉच तो आपको मिल जाती है, बट ये बजट सेगमेंट के जो वॉचेस है ना, ये कंपनी इतनी शातिर है कि आपको एमोलेड डिस्प्ले दे के लालच तो दे रही है, बट वहीं आईपीएस पैनल में आपको बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे और एमोलेड में उसी को ये कम कर देते हैं। तो ये चीज का बहुत फर्क पड़ता है। तो कि आज मेरे पास एक ऐसी एमोलेड वॉच आ रखी है जो कि फायरबोल्ट की तरफ से। अब ये वॉच आपको ऑनलाइन नहीं, ये आपको सिर्फ मिलेगी ऑफलाइन स्टोर्स में। अगर आप ऑफलाइन खरीदना पसंद करते हो, देखना पसंद करते हो, तो ये वॉच आपके आजू बाजू वाले स्टोर्स क्रोमा वगैरह इनमें आपको देखने को मिलेगी। इस वॉच का जो नाम है ये है फायरबोल्ट सैटर्न करके। तो अभी धरती में तो नाम बचे नहीं थे कुछ खास, तो अभी सर स्पेस में जाना पड़ रहा है। सैटर्न करके आई है, अभी मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, अभी और भी आएंगी। बट फटाफट से पहले डब्बा खोलेंगे। डब्बे में आपको ऐसे बढ़िया सा वही पैकेज देखने को मिलेगा जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं फायरबोल्ट की तरफ से, 4-5 तो वो गिफ्ट कार्ड दे देते हैं, एक आपको मैनुअल मिल जाती है और एक वारंटी मिल जाता है 1 साल का। साथ में मिल जाएगी एक चार्जिंग केबल पोको पिन वाली और आपकी मिल जाती है मेन वॉच। अब मेन वॉच का डिजाइन है ना मेटेलिक बेल्ट में आपको देखने को मिलता है, जो कि बढ़िया बात हो जाती है। टॉप पे बढ़िया सा कर्व ग्लास दे रखा है, साइड में आपको 20mm के स्ट्रैप्स देखने को मिल जाते हैं। स्ट्रैप्स की क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी है, पर ये है कि आपको स्ट्रैप्स जो हैं पिन वाले देखने को मिलते हैं। ऐसा मार्केट में आप ऐसा दूसरा चेंज करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बाकी वॉच की बात करें तो फिजिकल बॉडी में आपको पीछे प्लास्टिक देखने को मिलता है, साइड फ्रेम जो है वो मेटेलिक मिलती है और टॉप पे जो है ग्लास, जैसा कि मैंने बताया। साइड में आपको सिंगल रोटेटिंग बटन देखने को मिलता है, रोटेटिंग फंक्शन नहीं काम करता, बटन की तरह काम करता है, बट रोटेटिंग वाला दे रखा है इन्होंने। और एक माइक्रोफोन और एक स्पीकर ग्रिल जो है आपको यहाँ पे वॉच में दे रखी है। अब जो बड़ा और मेजर हाईलाइट है वॉच का, वो है इसका डिस्प्ले। 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले इन्होंने यूज कर रखा है विद रिजोल्यूशन ऑफ 368x448 पिक्सल्स का, जो कि बहुत ही ज्यादा पंची, ब्राइट और क्रिस्प इसके डिस्प्ले को बनाता है। नो डाउट बढ़िया लग रहा है डिस्प्ले देखने के मामले में। अगर आप वॉलपेपर लगा रहे हो, कुछ भी अपने फोटो वगैरह भी लगाओगे, तो आपको बहुत अच्छे दिखेंगे यहाँ पे। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ब्राइटनेस अच्छी है, मतलब अगर आप मार्केट में ऐसा धूप में सन में भी यूज करने वाले हो वॉच को, तो आपको विजिबल हो जाएगी। जो थोड़ा सा क्या होता है कि इस तरह की वॉच जिनकी ब्राइटनेस कम रहती है ना, तो फिर दिक्कत आती है, उनको शेड लेना पड़ता है या हाथ रखना पड़ता है, तभी जाके टाइम दिखता है। बट इस वॉच में वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। और वेकेशन वाली चीज भी दे रखी है, जो काफी लोग पूछते हैं कि इसे ट्विस्ट अप करेंगे तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, तो हाँ वो ऑन हो जाएगा। साथ ही में इसमें आपको ऑलवेज ऑन स्क्रीन भी मिलता है, यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दे रखा है, जो कि दो वही आपको मिलते हैं, एक तो एनालॉग मिल जाएगा और एक डिजिटल मिल जाएगा। तो ठीक है, बढ़िया से वर्क करते हैं और ब्राइटनेस भी ठीक ठाक से आपको AUD की मिल जाती है। अब आते हैं इसकी मेजर चीज पे लेके, तो यहाँ पर देखो IP67 रेटेड है ये वॉच। ध्यान इस बात का रखना कि स्विमिंग पूल में मत लेके जाना, नहीं तो वहाँ खराब हो जाएगी वॉच। बाकी नॉर्मल जैसे शावर वगैरह में पहन रखा है तुमने या बारिश वारिश में पहन रखा है, तो कोई दिक्कत थी वो तो सर्वाइव कर जाएगी। इवन इस वॉच में आपको बैटरी परफॉर्मेंस है वो भी डिसेंट से मिल जाती है। 7 दिन कंपनी क्लेम करती है, बट कॉलिंग वाला फीचर दे रखा है, एमोलेड दे रखा है, तो ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं। एक्सपेक्टेड जो टाइम रहेगा इसका, 2-3 दिन की परफॉर्मेंस आपको वॉच दे देगी अगर आपने इसको एक बार चार्ज किया फुल। तो बाकी सेंसर वगैरह पे बात करूँ तो देखो सेंसर पे तो वही आपको बेसिक वाले मिल जाते हैं, SPO2 HR और एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जो कि मोशन ट्रैकिंग वगैरह करते हैं। आते हैं यहाँ पे हम लोग इसकी UI वाली चीज़ को लेकर, क्योंकि UI फायरबोल्ट की आपने नोटिस करी होगी कि इतने मेजर अपडेट या मेजर चेंजेस लेकर आती नहीं है। यहाँ पर भी वही सवाल मेरा उनसे है कि कोई भी UI में ऐसे कोई अपग्रेड नहीं है। पुरानी वाली आपको सिंपल सी UI देखने को मिलती है, टॉप सर्व करोगे तो टॉगल्स वगैरह दे रखे हैं, सेटिंग्स वगैरह का ऑप्शन है, टॉर्च वगैरह का ऑप्शन दे रखा है, अदर साइड से करोगे तक का मेन्यू मिल जाता है, इधर से करोगे तक का ट्रैकिंग वगैरह मिल जाएंगी आपको, और नीचे से करने पे आपको जो नोटिफिकेशन वगैरह आती हैं उनको आप रीड कर सकते हो। बाकी स्टैंडर्ड इसका आपको पता ही है, जो वॉच फेसेस वॉच में अवेलेबल कर रखे हैं उनको आप यहाँ पे स्विच वगैरह कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा सवाल है कि इसको बेहतर करना चाहिए। स्मूथ वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कूलर बनाने के लिए थोड़े से बहुत चेंजेस यहाँ पे करना चाहिए। अब फीचर्स की बात आती है तो सबसे बड़ा हाईलाइट जो है यहाँ पे कि इसमें 110 प्लस आपको स्पोर्ट्स मोड दे रखे हैं। अब ये मोड वाली चीज़ ना काफी लोगों को समझ में नहीं आती है। मेरे हिसाब से देखो, मैं पर्सनली यूज की बात बताऊँ तो ये बहुत काम में आती है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो ट्रैकिंग आपको बढ़िया दिखाता है, कितनी कैलोरीज आपने बर्न करी, कितने टाइम आप चले हैं, कितना आपने फिजिकली उस एक्सरसाइज को देने में समय लगाया है, तो वो हर एक डिटेल जो है आपको प्रॉपर यहाँ पर मिलती है। बाकी जो दूसरा हाईलाइट फीचर इस वॉच में है वो है कॉलिंग वाला फीचर। अब कॉलिंग वाले फीचर की बात करें तो मेन्यू तो आपको वही देखने को मिलेगा, आपका जैसे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, डायल पैड वगैरह दे रखा है इन्होंने, और जो कॉल हिस्ट्री है कितने कॉल्स वगैरह आ रखे हैं वो आप देख सकते हैं। अब जो सवाल उठ के आता है माइक्रोफोन और स्पीकर क्वालिटी की परफॉर्मेंस को, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं बाहर और देखते हैं कि आउटडोर में किस तरीके से वॉच काम करती है। तो गाइस जो आप सुन रहे हैं वो RES वॉच के थ्रू और ये कुछ इस तरीके से परफॉर्म करती है कॉलिंग के टाइम पे जो आप चेक यूज करने वाले हैं बाहर आउटडोर नॉइज में क्वालिटी को। बाकी फीचर्स की बात करें तो वही आपको स्टॉप वॉच, अलार्म, टाइमर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। कुछ
इंटरेक्टिव गेम्स वगैरह भी दे रखे हैं, तो जैसे फ्री टाइम में कभी आप बोर हो रहे हो तो गेम्स वगैरह खेल सकते हो। साथ ही में आपको यहाँ पर स्लिप ट्रैकिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि कितना आपने हार्ड स्लिप किया कितना आपने लाइट किया वो दिखाता है। अब यहाँ पर जो सेंसर वाली चीज़ है, जैसे कि आपका SPOT हो गया, HR हो गया और एक्सीलरेटर सेंसर हो गया। अब एक्सीलरेटर सेंसर में दिक्कत ये आती है कि आप बहुत ज़्यादा मोशन कर रहे हो बैठे बैठे, तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेता है। और रही बात यहाँ पर SPOT को लेकर, तो उसके लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट यूज़ करो, क्योंकि वो आपको बेहतर एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। HR वाले पार्ट की बात आती तो हाँ, कहीं ना कहीं ये एक्यूरेसी आपको ठीक ठाक मिल जाती है और क्लोज टू क्लोज कहीं ना कहीं मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट के हिसाब से काम कर जाती है। बट स्टिल मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट आर मच बेटर, क्योंकि ये सिर्फ कंपेरेटिव आपको एक आइडिया देने के लिए ही बनाई गई है। साथ में काफी सारे जैसे कैमरा कंट्रोल हो गया, म्यूजिक कंट्रोल हो गया और आपकी वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी, तो वो भी सारे फीचर्स आपको वॉच में अवेलेबल कर रखे। अब आते हैं इसकी वॉच फेस वाले चीज को लेकर, तो क्योंकि काफी लोगों के सवाल दिमाग में रहता है कि हम लोग खुद के फोटो वगैरह लगा पाएंगे कि नहीं, तो आप अपने फोटो वगैरह लगा सकते हैं इस पे, पर जाना पड़ेगा इसकी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन तो आप जानते हैं फायरबोल्ट कौन सी यूज़ करता है, दाफिट करके। दाफिट एप्लीकेशन में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, फ्रंट पेज में क्या क्या आपने ट्रैक किया, कितनी कैलोरीज वगैरह बर्न कर रही है। मैनुअल सेक्शन में आएंगे तो वॉच फेस का यहाँ पे काउंट आपको पूरा स्टोर दे रखा है, डाउनलोड कर सकते हो, खुद का फोटो लगाना तो वो भी लगा सकते हो। नोटिफिकेशन वगैरह आपको ऑन ऑफ करनी किन किन ऐप की, वो भी आप देख सकते हो। रिमाइंडर्स वगैरह हैं, टाइमर वगैरह, तो वो भी चीज़ें आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं। अब कंक्लूजन की बात करें इस वॉच को लेकर, तो एक प्राइसिंग बड़ा जो है यहाँ पे पॉइंट बन जाता है। इस वॉच की प्राइसिंग जो रखी है लॉन्च की, उन्होंने रखी 3799, यानी कि 3800 रुपये के प्राइस में आपको ये वॉच मिलने वाली है ऑफलाइन स्टोर्स वगैरह में। बट सवाल ये है कि क्या इतने पैसे देना वर्थ है? तो मेरे हिसाब से ये वॉच कहीं ना कहीं महंगी है। अगर 3800 रुपये के प्राइस पॉइंट में आप सिविक बेसिक फीचर्स और AMOLED डिस्प्ले के लिए पे करना चाह रहे, तो इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं वैल्यू ये बना नहीं पाती है। बट हाँ, ये अगर आपको 3000 या 3000 से कम में देखने को मिल रही है, तो फिर आपके लिए सवाल बनता है, अगर आप AMOLED पसंद करते हैं तो फिर आप इस वॉच को देख सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं, समझ में आती है तो फिर आप इसको खरीद भी सकते हैं। बाकी इस वॉच की लिंक वगैरह तो नहीं है, बट हाँ, जो इस प्राइस में आने वाले दूसरी AMOLED वॉचेज हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जाते ही कहूँगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना, पसंद आया तो कमेंट जरूर से कर देना, क्योंकि कमेंट वगैरह आपके आते ना तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। आगे मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ। We'll be right back.